में आपको घर में रखे हुए बेसिक सामान से झटपट पड़ने वाला बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट स्पंजी और हेल्दी नाश्ता बनाना बताती हूँ। कैसे बनाया जाता है, जब भी आपको जोरों की भूख लगी और कुछ भी समझ में ना आए तब आप इस नाश्ते को बना सकते हैं और ये खाने में तो टेस्टी होते ही है और आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद भी आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नाश्ता बनाने के लिए ये हमने एक कप सूजी लिए, इस सूजी को हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं। आधा कप दही, अगर दही थोड़ा सा खट्टा है तो और भी अच्छा है। अब इसी में हम आधा कप पानी डाल देते हैं। अब ये नाश्ता खट्टा मीठा और टेस्टी बने उसके लिए इसके अंदर 1 टेबलस्पून चीनी डाल देते हैं, 1 नींबू का रस। अब ये नाश्ता और भी ज्यादा सॉफ्ट बने तो उसके लिए 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऑयल डाल देते हैं, 1/2 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब हम सभी चीजों को मिक्सी से एकदम महीन पीस लेते हैं। ये हमने सभी चीजों को मिक्सी से महीन पीस लिया है, अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखिए, हमें इस टाइप का महीन पिसा हुआ बैटर चाहिए। अब इस बैटर को इस बॉल में निकाल लेते हैं। ये हमने प्लेट लिए, इसमें हम नाश्ते को बनाएंगे। तो अब प्लेट के अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं और ऑयल को प्लेट में चारों तरफ फैला देते हैं, उससे नाश्ता प्लेट में चिपकेगा नहीं। ये हमने ऑयल को प्लेट में चारों तरफ लगा दिया है। ये हमने 1 इनो का पैकेट लिया है, इस इनो को हम इस बैटर में डाल देते हैं। आप इनो की जगह 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये इनो जल्दी से एक्टिवेट हो जाए तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इनो को इस तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं बैटर फूलने लगा है। इनो डालने से ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बनके तैयार होगा। हमने इनो को अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख पा रहे हैं बैटर फूल गया है। अब इस बैटर को हम इस प्लेट में डाल देते हैं। और इस बैटर को हम इस तरीके से टैप कर देते हैं जिससे कि इसके अंदर जितने भी एयर बबल्स होंगे वो निकल जाएंगे। हम इस नाश्ते को कढ़ाई में बनाएंगे, उसके लिए हमने कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। अब ये पानी गर्म हो गया है, अब कढ़ाई में हम स्टैंड डाल देते हैं। आप स्टैंड की जगह कोई भी कटोरी या प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस प्लेट को हम इस कढ़ाई के अंदर रख देते हैं। अब इसे हम ढक देते हैं और नाश्ते को 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर स्टीम होने देते हैं। 12 मिनट करीब हो गए हैं, अब इसे हम चेक कर लेते हैं। इसके लिए ये हमने स्टिक लिए, स्टिक को हम इसके अंदर डालेंगे। देखिए, स्टिक एकदम क्लीन है, इसका मतलब ये स्टीम हो गया है और ये नाश्ता देखने में सुंदर लगे और खाने में हल्का सा चटपटा लगे उसके लिए इसके ऊपर हम थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं और फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं नाश्ता देखने में सुंदर लग रहा है। अब इस प्लेट को हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। ये हमने नाश्ते को कढ़ाई से बाहर निकाल लिया है, अभी ये काफी गर्म है, इसे हम ठंडा होने देते हैं। अब ये नाश्ता ठंडा हो गया है, इसे हम प्लेट में से निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हम नाइफ से इसे लूज कर लेते हैं। अब प्लेट को हम इस तरीके से उल्टा कर देते और इस नाश्ते को हम इस तरीके से टैप कर लेते। देखिए, हमने इस नाश्ते को निकाल लिया है, अब मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए कितना स्पंजी नाश्ता बनके तैयार हुआ है। अब इसके हम पीस कर लेते हैं। अब घुमाते हुए हम इस साइड से भी काट लेते हैं। आपको काटने से ही पता लग रहा होगा कि ये कितना स्पंजी बनके तैयार हुआ है। साइज आप अपने हिसाब से थोड़े से छोटे या बड़े भी कर सकते हैं। हमने काट लिया है, अब मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ।
देखिए ये नाश्ता कितना स्पंजी और जालीदार बनके तैयार हुआ है। आप इसे इस तरीके से भी खा सकते हैं और आप चाहे तो इसमें तड़का भी लगा सकते हैं। हम इसमें तड़का लगाएंगे, उससे इसका टेस्ट और भी अधिक बढ़ जाएगा। तो अब हम इसमें तड़का लगा लेते हैं। अब हम इस नाश्ते में तड़का लगा करके इस नाश्ते को थोड़ा सा सेक लेते हैं। तो उसके लिए हमने गैस पे तवा रख दिया है। अब तवे के ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। ऑयल को हल्का गर्म होने देते हैं। ऑयल हल्का गर्म हो गया है, अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी राई डाल देते हैं। थोड़े से सफेद वाले तेल। अब राई तड़कने लगी है, इसी में हम थोड़े से करी पत्ते डाल देते, थोड़ा सा हरा धनिया। अब जो हमने नाश्ता बनाया था उसे हम इस तवे के ऊपर लगा देते हैं। अब इस नाश्ते को हल्के हाथों से दबाते हुए मीडियम फ्लेम पे हल्के गोल्डन कलर का होने तक सेक लेते हैं। इस तरीके से जब हम सेक करके नाश्ता बनाते हैं तो नाश्ता खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। अब इसे हम पलट देते। और आप चाहते से हाथ से भी पलट सकते हैं। अब इसे हम दूसरी तरफ से भी सेक लेते हैं। देखिए ये नाश्ता देखने में कितना सुंदर लग रहा है और खाने में भी ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। आप मेरे कहने से एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अब इसे हम पीछे से भी चेक कर लेते हैं। देखिए ये पीछे से भी सिक गया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया सूजी का नाश्ता बनके तैयार हुआ है। आप इसे हरी चटनी, टमाटो केचप, आप किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये सभी के साथ खाने में टेस्टी लगता है। अब मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट स्पंजी और जालीदार बनके तैयार हुआ है। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये ऊपर से क्रिस्पी होता है और अंदर से सॉफ्ट। देखिए देखिए अंदर तक जालीदार बनके तैयार हुआ है। बनाए ना कितना सॉफ्ट, और ये खाने में तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। आप मेरे कहने से इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और ये देखने में जितना सुंदर लग रहा है उससे ज्यादा ये खाने में टेस्टी लगता है। देखिए बनाए ना कितना बढ़िया, मेरा तो देखते ही खाने का मन कर रहा है। तो आप भी इसे बनाइए, खाइए, फिर मुझे कमेंट्स करके ये जरूर बताइए कि आपका ये नाश्ता कैसा बनके तैयार हुआ और आपको ये कैसा लगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप ज्यादा ज्यादा फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और आप मुझे कमेंट्स करके ये जरूर बताइए कि आपका नाश्ता कैसा बना। मैंने आपको जिस तरीके से बनाना बताया अगर आप उस तरीके से बनाएंगे तो आपका नाश्ता भी बिल्कुल इसी तरीके से जालीदार और सॉफ्ट बनके तैयार होगा। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।